खरगोन जिला मुख्यालय से लगभग 63 किलोमीटर दूर नर्मदा किनारे ग्राम तेली भट्टियान में एक संत का आश्रम है। निमाड़ में यह संत काफी प्रसिद्ध है। नाम है सियाराम बाबा, जिनके दर्शन के लिए देश के कोने कोने से सैकड़ों भक्त यहां आते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बाबा की उम्र करीब 100 वर्ष के आसपास है। इस उम्र में भी सियाराम बाबा अपना काम खुद करते हैं, बिना चश्मा के अखबार पढ़ते हैं, भक्तों को अपने हाथों से प्रसाद देते हैं, परिक्रमा वासियों को सुबह चाय बनाकर भी पिलाते हैं। निरंतर बाबा रामायण का पाठ करते हैं। बारिश हो, ठंड हो, चाहे गर्मी हो, सियाराम बाबा हमेशा एक लंगोट में रहते हैं। ग्रामीण राजेश बिरला बताते हैं कि सियाराम बाबा गुजरात के रहने वाले हैं। बम्बई में उन्होंने कक्षा 11वीं तक पढ़ाई की। यहीं से बाबा ने अपने गुरुजी के साथ 5 वर्षों तक भारत भ्रमण किया। राजेश बताते हैं कि 1955 में सियाराम बाबा तेली भट्टियान आए थे। तब उनकी उम्र करीब 20 से 22 वर्ष थी। यहीं पीपल के पेड़ के नीचे बाबा ने कई वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या की। राजेश बताते हैं कि बाबा का असली नाम और उनके गुरुजी कौन है यह तो कोई नहीं जानता, परंतु बाबा ने जब मौन व्रत तोड़ा तब उनके मुख से पहला शब्द सियाराम निकला। तभी से बाबा को आज तक इसी नाम से जाना जाता है। बाबा की एक खासियत यह भी है कि आश्रम पर आने वाले भक्तों से बाबा 10 रुपए से ज्यादा नहीं लेते। कई वर्षों पहले परिक्रमा के दौरान बाबा को यह स्थान काफी पसंद आया था, तब से बाबा यहीं रहने लगे। पहले बाबा कुटिया बनाकर रहते थे। बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं। प्रत्येक शनिवार को वह हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। दिनचर्या की बात करें तो बाबा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, खुद स्नान करते हैं, पूजा अर्चना के बाद रामायण का पाठ करते हैं। बाबा जी यहाँ पर आए थे 1955 में। उनका शरीर गुजरात का है, काठियावाड़ का, और बम्बई में पढ़ाई की थी, और वहाँ से फिर 5 साल उन्होंने उनके गुरुजी के साथ में पूरे भारत भ्रमण किया है। मानसरोवर यात्रा भी की है उन्होंने, और यहाँ पर 20 साल तक खड़े रहे, तपस्या की है, और मौन भी रहे, और रामायण का पाठ निरंतर चलता रहता है। यहाँ आए थे 22 साल की उम्र में। दिनचर्या यही है उनकी, मतलब रामायण सुबह से रामायण पढ़ना और प्रसाद बांटना भक्तों के लिए। सब जो प्रसाद लाते हैं सब बांट देते हैं वो। आप बूढ़े लोग जो बताए, पुराने लोग जो है वो बताते हैं ज़रूर कि बाबा जी खोपड़ी में रहते थे यहाँ पर, और पानी यहाँ तक आ गया था, और उसके बाद वो नाव वाला एक यहाँ पर रहता है, तो नाव वाला वो जैसे पानी आया तो उनको बाबा जी को उठाया तो झोपड़ी दे गई। उन्होंने 2,32,00,000 रुपए तो नांगलवाड़ी में दान किए, और 50 लाख के आसपास पार्वती मंदिर जाम गेट पे दान किए। 10 रुपए से ज़्यादा नहीं लेते हो आप। 100 का नोट दो, 500 का नोट दो, 1,000 का नोट दो, 10 रुपए से ज़्यादा नहीं लेते हैं। बाबा तकरीब 1955 के लगभग यहाँ पर आए थे, तो परिक्रमा में आए, तो जब से आए बाबा को स्थान जमा, बाबा यहीं पर रुक गए। वो चमत्कार तो नहीं है, पर लोग मन्नत लेके जाते हैं, जिसकी पूरी होती है वो यहाँ पर वापस अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं। करीब 100-101 यानी 99 समथिंग। बस डेली उठना, सुबह नहाना, अपने हाथ से स्वयं काम करना, और वही भक्त लोग आते रहते हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी के, अपना काम खुद करते हैं। ये बाबा पहले मौन रहते थे, और जब बाबा ने पहली बार सियाराम बोला, जब से बाबा का नाम सियाराम गिर गया। दरवाजा लगा देंगे, हाँ, पूरा पैक हो जाएगा जाली का, सही बीच में पाटे बना देंगे, हाँ, ये सब साधु हो जाएगा।